हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट आवर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज उद्योग धंधे, राइट? इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में, यानी कि प्रयोग में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली वो हमारे रिसोर्सेज को, हमारे संसाधनों को ज़्यादा वैल्यूएबल सामान में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास जो है खेती करके हमने मान लीजिए गेहूं उपजाया, राइट? अब उस गेहूं से अगर हम बिस्किट्स बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना काफी ज्यादा। ऐसे ही मान लीजिए कि चलिए सरसों हमने उपजाया, लेकिन सरसों से जब हम कुकिंग ऑयल निकाल के फिर उसे बेचते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। राइस की आपने खेती की, ठीक है, लेकिन राइस से जो है, पैडी से जो है, धान से जो है, जब हम राइस निकाल के उसे बेचते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, राइट? रबर की खेती हमने की और रबर से हमने टायर्स बना के जब बेचे तो उन टायर्स की वैल्यू ज्यादा होती है, राइट? तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रीज जो है वो रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं ज्यादा वैल्यूएबल गुड्स में। गुड्स मतलब सामान हो गया, तो ज्यादा मूल्यवान चीजों में, ज्यादा वैल्यू वाली चीजों में उसे वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं। इंडस्ट्रीज जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंट्री के प्रोस्पेरिटी में, यानी कि समृद्धि में भी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यानी कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना हो, इकोनॉमी का प्रोग्रेस होना हो, कंट्री की प्रोस्पेरिटी या समृद्धि हो, इन सभी के लिए इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत ही वैल्यूएबल होता है। ओके, अब इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का जो लेवल होता है वही कंट्री के प्रोग्रेस को डिसाइड करता है। यानी कि आपके यहाँ के इंडस्ट्रीज जितनी डेवलप होगी, कंट्री आपका उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। आपके यहाँ के इंडस्ट्रीज जितनी कम डेवलप्ड होंगी, कंट्री का प्रोग्रेस उतना कम होगा। ऑलराइट, नाउ इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। हमारा देश जो है ये डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी विकासशील है, विकास कर रहा है, लेकिन पूरा पूरी तरह से ये विकसित अभी तक नहीं हुआ है। ओके, और हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। स्टेडी का मतलब क्या होता है, एक स्थिर दर से, है ना, लगातार हम लोग जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली जो है फैक्ट्रीज में जो चीजों का प्रोडक्शन होता है उसको रेफर करता है, समझ गए? जैसे कि मान लीजिए, एक मैंने क्या कहा था आपको, एग्जाम्पल दिया था ना कि खेत में हम जो है गेहूं उगाते हैं, राइट? लेकिन गेहूं से बिस्किट बनने का जो प्रोसेस होगा वो फैक्ट्रीज में होता है ना। तो फैक्ट्रीज में जो बिस्किट बना, तो वो फैक्ट्री किस सेक्टर के अंदर आएगी, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आएगी। तो यानी कि जो भी प्रोडक्शन आपका फैक्ट्रीज में होता है तो उन सबको हम कलेक्टिवली इंडस्ट्रियल सेक्टर में रखते हैं। और प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जब हम रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे सामान को फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर देते हैं, जिसका कि सीधा अब कंजम्पशन होना है, यानी कि जिसको अब यूजर सीधा यूज में लाएगा, तो ये कहलाता है प्रोडक्शन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आयरन ओर हुआ, आयरन ओर से स्टील तैयार किया गया जिसका हमने कंस्ट्रक्शन में यूज किया, तो स्टील क्या हो गया, ये फिनिश्ड गुड्स हुआ जिसका कि यूज हम, जिसका कि कंजम्पशन होगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, राइट? वैसे ही जो है स्टील से ही जो है ऑटोमोबाइल जब बनता है, गाड़ियां जब बनती हैं, तो यहाँ पर जो है आपका स्टील वगैरह जो है वो रॉ मटेरियल में आ जाएगा, और जो गाड़ी जो बनी उससे, जिसका कि यूजर जो है इस्तेमाल करेगा, तो वो फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा, राइट? तो स्टील से गाड़ी का बनना, ये भी क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। आयरन ओर से स्टील बनना, ये भी जो है प्रोडक्शन कहलाता है। अब हमारे घरों में जो है बहुत सारे अप्लायंसेज हैं, बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे कि टेलीविजन, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैन, राइट, गैस स्टोव वगैरह, जो कि हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, आरामदेह बनाते हैं। इस सब के अलावा जो है हम लोग ऑटो रिक्शा, ट्रेन, बसेज, एरोप्लेन, ये सब भी यूज करते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो ये सब के सब जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इन सभी का निर्माण जो है फैक्ट्रीज में हुआ है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। अब प्रोडक्शन के हिसाब से, या किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज को जो है अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो हम इन्हीं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अब किस तरह का इक्विपमेंट यूज होता है,
जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसकी वैल्यू क्या है, कितने लोग उस रोजगार में लगे हुए हैं, इन सब आधार पर जो है इंडस्ट्रीज को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक तो आपका क्लासिफिकेशन है यहाँ पर रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कि कच्चा माल कहाँ से आता है या कच्चा माल जो है वो किस तरीके से तैयार होता है उसके बेसिस पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। अब देखिए किसी भी इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। हमने प्रोडक्शन का क्या पढ़ा था डेफिनेशन कि प्रोडक्शन इज व्हेन वी चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स फॉर कंजम्पशन। तो रॉ मटेरियल जो है ये तो प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल एसेंशियल है, राइट, बिल्कुल आवश्यक है। तो इसलिए जो है रॉ मटेरियल को किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है। अब डिफरेंट तरह के रॉ मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को दो टाइप में बांटा जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल अपना जो है डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से हासिल करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हुई तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन की जरूरत होगी, और कॉटन क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना, खेती करके उपजाते हैं कॉटन को। शुगर इंडस्ट्री के लिए आपको शुगर केन की जरूरत होगी, तो शुगर केन कहाँ उपजता है, किसी खदान से तो नहीं खोदते ना, खेत में इसकी खेती करते हैं, राइट, तो ये भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हुआ। फूड इंडस्ट्री जितनी भी है सबका सोर्स कहाँ होगा, या तो हम जमीन में उपजाएंगे उसे या फिर तालाब में पालेंगे, राइट, जो भी होगा। तो फूड इंडस्ट्री का सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो ओवरऑल वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आएगा। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जिनका कि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से आता है ये सब कहलाती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज या फिर खेती पर आधारित उद्योग धंधे। दूसरा कैटेगरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब वो इंडस्ट्रीज जिनमें कि रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट मिनरल प्रोडक्ट्स से हासिल किया जाता है वो सब कहलाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, तो इसका रॉ मटेरियल जो होगा चाहे आयरन ओर हो या फिर कोल हो, ये सब किधर से आता है, ये सब मिट्टी जमीन खोद के हम लोग निकालते हैं ना, ये मिनरल प्रोडक्ट्स हैं। ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, तो इसके लिए जो पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वो भी हम जमीन खोद के निकालते हैं, राइट तो ऑयल जो है वो भी क्या होगा, ये भी इंडस्ट्री, इसका भी जो है रॉ मटेरियल वो भी तो मिनरल्स से ही आया है ना हमको। तो जिन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल मिनरल्स से आता है या मिनरल प्रोडक्ट्स से आता है वो सब कहलाती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी अपने होमवर्क के तौर पर प्लान कर सकते हैं जहाँ पर कि आप 10 इंडस्ट्रीज का नाम लिखेंगे जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, और 10 उन इंडस्ट्रीज का नाम लिखेंगे जिनका कि रॉ मटेरियल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से आता है, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन से मिनरल्स का यूज होता है ये भी आप साथ ही टेबल में लिख सकते हैं, राइट, और इससे आपकी ये अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन उनके साइज के बेसिस पर भी होता है। तो फैक्ट्री के साइज, नंबर ऑफ वर्कर्स और कितना कैपिटल यूज किया गया है, इस बेसिस पर इंडस्ट्रीज को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है या 3 टाइप्स में बांटा गया है। तो लेट्स चेक आउट दीज इंडस्ट्रीज नाउ। तो सबसे पहले इसमें नंबर आता है कॉटेज इंडस्ट्री का। ऑलराइट, कॉटेज इंडस्ट्री जिसे कि कुटीर उद्योग भी कहते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज में बहुत कम लोग जो होते हैं वही एक साथ मिलके काम करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो तो सामान का प्रोडक्शन अपने घर में ही कर लेते हैं कुछ वर्कर्स को काम पे लगाकर। कभी कभी फैमिली के ही सारे मेंबर्स जो होते हैं वो साथ मिलके काम करते हैं और डिफरेंट थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
इन इंडस्ट्रीज के लिए जो है बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि कपड़ा बुनना हो गया, कारपेट बनाना हो गया, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो होता है लकड़ी का सामान या फिर लोहा का सामान छोटा मोटा सब वो बनाना हो गया, शॉल बुनना हो गया, तो ये सब जो है कॉटन इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आप कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज के पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा ना तो कैपिटल की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वर्कर्स इंप्लॉयड होते हैं, और काम भी जो है वो घर में हो सकता है या फिर छोटा सा कहीं पर एक जो है वर्कशॉप लेके उसमें भी ये काम जो है वो किया जा सकता है। दूसरा हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप घर में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा लोगों की और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर वर्कर्स जो हैं वो छोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, छोटी छोटी मशीन्स का यूज करके, और इस तरह की इंडस्ट्रीज जो हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। इन इंडस्ट्रीज में कॉटेज इंडस्ट्रीज की तुलना में ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। जैसे कि होजियरी का कपड़ा बनाना जो है, बर्तन वगैरह बनाने का फैक्ट्री जो होता है, या फिर कारपेंटर वगैरह का जो वर्कशॉप होता है जहाँ पर वो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो ये सब जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल हुए। एंड फाइनली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब जहाँ पर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है, जहाँ पर गुड्स जो है वो लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से, हजारों वर्कर्स के हेल्प से और काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। तो यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो वेल, मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस ऑन ए लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ बिग मशीन्स, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स, कॉटन टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर प्लांट्स, सीमेंट प्लांट्स, रेलवे कोचेज की मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए, हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के डिफरेंट कैटेगराइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अब अगले लेसन में हम लोग इंडिया की इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय। ये कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के एग्जांपल हो गए। ये स्टील इंडस्ट्री हुआ, सॉरी स्टील प्लांट, ये जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल है, देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, दैट वॉज इट फॉर द बिगनिंग पार्ट। नाउ इन द नेक्स्ट लेसन, एज वी प्लान, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।